हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ आप ही के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस पे। सो गाइस, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि कुछ व्यूवर्स के लिए उनको नहीं पता लग रहा है कि कैसे हम लोग इसमें टाइम देखें, क्योंकि होता क्या है, उनको बार बार ऐसे प्रेस करना पड़ता है। मैंने अभी जैसे वॉच लिफ्ट करी है, बट आपको बटन दबाना पड़ रहा है टाइम देखने के लिए, या आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बार बार जैसे वॉच हाथ मूव होता है आपके इसकी लाइट जल जाती है और आप चाहते हैं कि ये सिर्फ तब काम करे जब आप बटन पे क्लिक करें। सो दोनों केसेस में बेसिकली आपको कंट्रोल चाहिए कि जो इसकी लाइट जले वो आपकी मर्जी से जले, चाहे आप हाथ को मूव करें ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, या फिर जब आप बटन दबाओ ये सिर्फ तब चले ऑटोमेटिक ना जले। सो मैं आपको वो दोनों तरीके बता देता हूँ कि कैसे आपको ये करना है कि इसकी जो लाइट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जले। सो अभी मैंने फिलहाल इसकी ऑटोमेटिक लाइट बंद कर दी है, ये सिर्फ तब जलती है जब मैं इसको बटन से दबाता हूँ। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे आप अपना हाथ लिफ्ट करो टाइम देखने के लिए, जैसे हमारी रिस्ट में होता है ऐसे और हम ऊपर की तरफ करते हैं लाइट जल जाती है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी वॉच पे जाएंगे, डिवाइस पे जाइए, ये वेक जेस्चर वाला ऑप्शन है, जस्ट मेक श्योर कि ये ऑन रहे। आपने इसको यहाँ से अगर ऑन कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक वॉच में यहाँ पे अगर साइड की तरफ करते हैं जैसे स्वाइप करेंगे जैसे मैंने किया तो ये येलो कलर हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से ऑफ करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने ऑफ किया तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी देर में ऑफ हो जाता है। ये देखा आपने ऑटोमेटिक ऑफ और ऑटोमेटिक ऑन, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये ऑन हो गया। सो ये ऑटोमेटिक यहीं से, अगर आप ऐप को नहीं टच करना चाहते हैं तो आप सीधे यहीं से ऑन या ऑफ कर देते हैं। अगर ये येलो है इसका मतलब ये है कि आपकी वॉच एक्टिवेट हो गई है, ऑटोमेटिक आपके रिस्क के मूवमेंट के हिसाब से इसमें लाइट जलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं फिलहाल इसकी लाइट को बंद कर देता हूँ और मैं जब इसको लिफ्ट करता हूँ इसमें लाइट जल जाती है। फाइन, सो अब मैं इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लिफ्ट करेंगे अपने रिस्ट को तो इसमें लाइट जल जाती है। सो ये एक सीधा सा ऑप्शन है आपको ऑन या ऑफ करने के लिए इसकी। अब अगर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप रात को सो रहे हैं और अचानक से आपका हैंड का मूवमेंट होता है और ये बार बार लाइट जल जाती है, आपको इसको बंद करना है, तो आपको बेसिकली करना ये है, स्वाइप कर लीजिए, देख लीजिए येलो लाइट ऑलरेडी जल रही है इस आइकन में, तो आप बस इसको टैप कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ गया लिफ्ट रिस्ट स्क्रीन हैज बीन टर्न ऑफ। अब आप इसको कितना भी मूव करेंगे तो ये अननेसेसरली लाइट इसमें नहीं जलने वाली है, इसमें ये लाइट सिर्फ तब जलेगी जब आप इसका बटन दबाएंगे। सो गाइस, आई होप आपका ये वाला जो इशू था, जो आप चाहते थे कि वॉच जो है लाइट है सिर्फ आपकी मर्जी से जले, आई होप इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। एंड गाइस, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो डिस्प्ले टाइम काफ़ी कम होता है, फटाफट से बंद हो जाता है, तो वो फिलहाल इसमें कंट्रोल नहीं होता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये कंपनी की तरफ से ही लिमिटेशन है। एंड गाइस, अगर आपको व्हाट्सएप के एसएमएस नोटिफिकेशंस, कॉल अलर्ट, किसी भी चीज़ से कोई इशू है, या फाइंड माय फ़ोन, अगर आप फ़ोन नहीं ढूंढ पा रहे हैं वॉच से, कुछ भी ऐसा इशू होता है, तो मेरे बाकी वीडियोस चैनल पर जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी सारी प्रॉब्लम्स, बोथ स्टॉर्म स्मार्ट वॉच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने सब वीडियो बनाए हुए हैं, चाहे वो वाइब्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, सारे मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, आपको किसी और चैनल पर जाके कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, मैं अगला वीडियो एक और लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे व्यूअर्स ने बताया है कि उनका जो फ़ोन है, आपको शायद पता ही होगा जब आपने वो स्मार्ट वॉच खरीदी है, कि अगर मान लीजिए आपने फ़ोन कहीं रख दिया है, गलती से आपने कहीं दूर रख दिया है और आप उसे ढूंढना चाहते हैं, तो आप अपनी वॉच से ही उस फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। बट काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो ढूंढने जाते हैं तो उनका जो फ़ोन है वो सिर्फ वाइब्रेट करता है और पता नहीं चलता है, तो उसको रिंगटोन में कैसे लेके आना है, उसके लिए मैंने अगला वीडियो बनाया है। तो गाइज, इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और अगले वीडियो को चेक करना ना भूलें। चलिए, मैं आप मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।